गुड मॉर्निंग, हरिओम, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, ऑसम अग्निहोत्री के एक और अमेजिंग ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज बड़े दिनों बाद ना मेरा 5 बजे का कॉल टाइम है, ना मेरा 5:30 बजे का। बाय द वे, बाय 5:30 AM, 6 AM अब तक मेरी वैसी ही शिफ्ट चलती आ रही है, 5 से 5, 6 से 6, 7 से 7 सुबह की। आज बहुत 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 दिनों बाद मेरी शिफ्ट सुबह 11 बजे की है। तो मुझे जो है अपनी सुबह मिल रही है अपने इन बच्चों के साथ। हाय, गुड मॉर्निंग। इसका नाम मैंने रखा है गधी, क्योंकि सच में गधी है जी। लुक एट द बेबी, कितनी पाली बेबी है, कितनी पाली बेबी है। सो जिस दिन मैं आई थी यहाँ पर लास्ट मंथ, उस वक्त ये मेरी बिल्डिंग के नीचे वाले हिस्से में लेटी हुई थी अपने एक छोटे से बेबी के साथ। तो जब मैंने एंटर किया और मैंने किया तो दोनों आए मेरे पास, खूब सारा प्यार किया। उस दिन के बाद से अनफॉर्चुनेटली मैंने इसका छोटा बेबी नहीं देखा है। आई डोंट नो वेयर द लिटिल वन इज़, बट शी इज़ देयर। और ये उस दिन से लेके अब तक उतने ही प्यार से मुझसे आके मिलती है, लाड करती है, प्यार करती है। सो आई एम गेटिंग टू मीट हर टुडे, एंड ऑफ कोर्स आई एम गेटिंग टू स्पेंड टाइम विद माई अदर टू बेबीज। हाय हाय इश्लू। अच्छा नहीं, इश्लू टच नहीं करना बेटा, टच नहीं करते। ये देखिए, क्योंकि यहाँ ठंड है तो इश्लू जो है अपनी जैकेट में है, और हवा थोड़ी ठंडी है यहाँ पे, द मॉर्निंग्स आर अ लिटिल कोल्ड। तो इश्लू अपनी जैकेट में, और प्लीज तू अपना मुंह छुपाने की कोशिश करते हुए, लेकिन हम प्लीस्तू का पेज दिखाएंगे। प्लीस्ती पूछ, आपको हाय बोलो सोना। सो दिस इज अ परफेक्ट फ्रेम जिसमें मेरे तीनों बेबीज हैं अभी। व्हाट अ परफेक्ट फ्रेम। टच नहीं करना इश्लू, टच नहीं करना बेटा। सो दिस इज आज ऑन अ नाइस चिली मॉर्निंग। इश्लू टच नहीं करना बेटा। अच्छा मैं ही भूल जाती हूँ। नहीं नहीं, इसलिए टच नहीं करना बेटा, टच नहीं करना। तो क्योंकि यहाँ ठंड है तो बड़ी स्ट्रेंज चीज़ है यार ठंड में। आप सोचते हैं कि योर स्किन इज़ गोना गेट बेटर, बट यू हैव टू कीप ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स टू कीप योर स्किन गुड इन द विंटर्स। वही सेम चीज़ मेरे साथ है, वही सेम चीज़ इश्लू के साथ है, वही सेम चीज़ प्लिस्तू के साथ है। तो प्लिस्तू से लेकर, मेरे से लेकर इश्लू, वी आर ट्राइंग डिफरेंट स्किन रूटीन्स। इश्लू के लिए मैं यहाँ क्या स्किन रूटीन कर रही हूँ मैं आपको घर जाके बताती हूँ, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑब्वियसली कीप योर स्किन गुड। ये देखिए हमारा पूरा परिवार एक साथ मॉर्निंग वॉक पे। दिस इज अ साइट टू वॉच। इश्लू मज़ा आ रहा है, इश्लू को इतना मज़ा आ रहा है ठंडी हवा में चलते चलते, उसके बाल उड़ रहे हैं और कर रही है इश्लू। सो ऑन दैट नोट अब मैं आपसे ऊपर घर पे मिलती हूँ। हाय गाइस, सो हम नीचे से ऊपर आ गए हैं, एंड एज यू कैन सी हम नहा धो के रेडी हो चुके हैं। इश्लू नहा धो के रेडी हो चुकी है, एंड मम्मा इज गोना गेट, यस, एंड मम्मा इज गोना गेट रेडी इन अ बिट, क्योंकि मम्मा को थोड़ी देर में शूट पे जाना है। यस यस, तो इश्लू भी आपको बताना चाहती है जो मम्मा आपको बताना चाहती है, विच इज कि तो यहाँ आने के बाद ना मेरी स्किन फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज वॉज एब्सोल्यूटली फाइन। इनफैक्ट यस इश्लू, यस, मेरी स्किन वॉज एब्सोल्यूटली फाइन फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज, लेकिन उसके बाद जो है मेरी, बस इश्लू इतना उसके बात नहीं करना, हाँ दूर से बात करो, यस। तो मेरी स्किन वॉज एब्सोल्यूटली फाइन, लेकिन थोड़े दिन बाद जो है मेरी स्किन ऑब्वियसली धूप में शूट कर करके दबाना नहीं है वो। अच्छा मैं क्या कह रही हूँ इश्लू, सुनो मेरी बात सुनो। You can't press anything on it. कुछ भी करो, प्रेस मत करो। अच्छा सुनो इश्लू, ये लेके बैठो, ये लेके बैठो, ये देखो मामाअर्थ की रिच मॉइस्चराइजिंग क्रीम विच हैज आमंड ऑयल एंड शिया बटर। तो मैं आपको अपनी स्किन के बारे में बताई थी, विच ऑब्वियसली हैज फाउंड इट डिफिकल्ट टू ब्रीद इन द विंटर वेदर,
क्योंकि यहाँ ठंड ज़्यादा है, शाम को रात को यहाँ ज़्यादा ठंड हो जाती है. सो मेरी जो नॉर्मल स्किन केयर रेजीम थी आई हैड टू चेंज दैट अलॉन्ग विद मी. प्लिस्तू को भी सेम चीज़ करनी पड़ी थी, जो चीज़ें उसे बॉम्बे में सूट करी थी यहाँ पे उसे उतनी सूट नहीं करी थी. तो प्लिस्तू को भी अपने फेस के लिए चीज़ें चेंज करनी पड़ी अलॉन्ग विद प्लिस्तू. ऑब्वियसली इश्लू के लिए भी, जैसा कि मैंने आपको बॉम्बे से निकलने से पहले कहा था, अपने बारे में हमने उतना सोचा नहीं था, इश्लू के लिए भी ऑब्वियसली प्लान. तो द ओनली पर्सन जिसकी स्किन ये लेके जाओ. थैंक यू सो मच. और डोर बंद कर देना. आई नो इश्लू, आई एम सॉरी. सो सॉरी. जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम टू ट्राई एंड डू थिंग्स, टू ट्राई एंड फिनिश थिंग्स. एंड इश्लू इज क्लियरली एट दैट एज. सो जैसा कि मैंने आपको बोला, तो वन पर्सन जिसकी स्किन इफ आई मे से बिल्कुल भी बॉम्बे से लेकर अब तक देर इज बिन एब्सोल्यूटली नो चेंज. इट्स एज ब्यूटिफुल, इट्स एज सपल, इट्स एज मिराक्युलसली अमेजिंग. इट्स बिकॉज मैंने बॉम्बे में ही, जैसे आपको बताया था कि मैं मामाअर्थ की रिच मॉइस्चराइजिंग क्रीम विद आमंड बटर इन आमंड ऑयल एंड शिया बटर यूज़ करने वाली हूँ, तो मैंने बॉम्बे से ही ये स्टार्ट कर दी थी और मैं अब तक यहाँ आकर कंटिन्यूसली एवरी सिंगल डे उसके फेस पे यूज़ कर रही हूँ. हम सबकी स्किन की बैंड बच चुकी है सिवाय इश्लू के, ऑल थैंक्स टू दिस अमेजिंग क्रीम. आई एम प्रीटी श्योर आप में से बहुत सारी मदर्स हैं दैट गो बियॉन्ड देयर मीन्स टू ट्राई एंड फिगर व्हाट इज़ राइट फॉर आर बेबीज एंड व्हाट इज़ नॉट दैट ग्रेट फॉर आर बेबीज. तो मामा अर्थ के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं पिछले 7 सालों में, एवर सिंस देव लॉन्च्ड देयर एफर्ट इज टू मेक लाइफ इजी फॉर मॉम्स लाइक मी यू इजी. क्योंकि इनके सारे के सारे प्रोडक्ट्स आर मेड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, दे आर टॉक्सिन फ्री, दे आर डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड एंड आई एम सो ग्लैड बिकॉज एज अ टीम, एज अ कंपनी दे गो अ स्टेप बियॉन्ड, जहाँ पर द प्रोडक्ट्स आर को क्रिएटेड विद अ डर्मेटोलॉजिस्ट जो डेफिनेटली हमारी लाइफ को उतनी ज़्यादा आसान करते हैं. बिकॉज जब एक डर्मेट, एक डर्मेटोलॉजिस्ट, एक डॉक्टर आपके साथ एज अ कंपनी बैठकर प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, तो एक इंसेप्शन लेवल पर ही एवरीथिंग इज ट्राई, टेस्टेड, फिगर्ड, यू नो, एंड मेड एब्सोल्युटली सेफ बिफोर इट रीचेस अस. सो आई एम सो थैंकफुल टू मामा अर्थ बिकॉज मैं ऑनेस्टली मैं तो हमेशा कहती हूँ कि इश्लू के कॉलेज फेज से लेकर अब तक मैं मामा अर्थ की बहुत 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 बड़ी फैन हूँ. एवर सिंस दैट रोल ऑन केम इन टू माई लाइफ, द मामा अर्थ रोल ऑन फॉर ऑल यू मदर्स आउट देयर, अगर आपके बेबी रिमोटली कॉलिक हैं, प्लीज़ 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 वो मामा अर्थ का रोल ऑन ज़रूर खरीदेगा. इट्स एन एब्सोल्यूट गेम चेंजर. So is the Mama Earth Rich Moisturizing Cream with Almond Oil and Shea Butter. ये 24 घंटे तक इश्लू की स्किन को मॉइस्चराइज रखती है, सफल रखती है, हेल्दी रखती है. द ओनली थिंग आई डू इज कि क्योंकि अब शाम को यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा ठंड होने लगती है, तो मैं प्लिस्तू को हमेशा, क्योंकि मैं तब शूट पे होती हूँ, तो मैं प्लिस्तू को रिमाइंड करवा देती हूँ कि बेटू एक बार और प्लीज़ शाम को, क्योंकि हम ठंड में हैं, ज़्यादा ठंड हो जाती है शाम को यहाँ पर, तो मैं उसे बोलती हूँ कि एक बार और ज़रा लगा देना. बट इफ़ यू आर इन एब्सोल्युटली नॉर्मल वेदर विच इज़ नॉट रियली कोल्ड और रियली विंडी, दिस कीप्स योर बेबी स्किन एब्सोल्युटली सपल एंड हेल्दी एंड डीपली मॉइस्चराइज फॉर 24 आवर्स. सो मैं तो इतना ही कह सकती हूँ कि मैं मामा अर्थ की एक बहुत बड़ी फ़ैन हूँ. एंड आई रिक्वेस्ट यू एंड अर्ज यू कि अगर आप अपनी लाइफ को थोड़ी आसान बनाना चाहते हैं, फॉर ऑल यू वर्किंग मदर्स, फॉर ऑल यू गॉर्जियस मदर्स जो घर पे बैठी हैं एंड आर ट्राइंग टू लुक फॉर प्रोडक्ट्स टू मेक योर बेबी स्किन हेल्दियर, हैप्पियर एंड मोर सपल, गो फॉर दिस क्रीम बिकॉज इट्स अमेजिंग. और मैं साथ साथ ये मामा अर्थ का मॉइस्चरिंग बेदिंग बार है, I also try and incorporate this while bathing her and then I go on to the cream. So guys, apni life aasan kijiye aur fat karke jaake ye products order kijiye.
ये देखिए हमारी इशलू पिशलू कितनी खूबसूरत कितनी प्यारी हो रही है आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द मामा अर्थ डीप मॉइस्चराइजिंग क्रीम। और सो अगर आप मेरी तरह मामा अर्थ की ये मॉइस्चराइजिंग क्रीम ऑर्डर करना चाहते हैं, आप मामा अर्थ की ऑफिशियल साइट से ये क्रीम ऑर्डर कर सकते हैं। ऑफिशियल साइट इज mamaearth.in। अगर आप मेरा कोड डालते हैं Agni2023 तो आपको मिलेंगे 20% ऑफ। आपको ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स Amazon, Flipkart और Nykaa पे भी मिलेंगे एंड देर ऑल्सो अवेलेबल इन अ लॉट ऑफ स्टोर्स नियर यू। सो अभी जाइए और ये प्रोडक्ट खरीदिए। बाय।